नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ की सगड़ी क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाला, आम आदमी को कांग्रेस से जुड़ने का संदेश दिया। गरीब आदमी की थाली से गायब हो रही दाल और सब्जी। सगड़ी तहसील क्षेत्र के बरकटागंज बाजार कोसाई में मुकेश राय PCC सदस्य भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को महंगाई, भ्रष्टाचार आदि को लेकर पदयात्रा निकाली और आम लोगों को कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का संदेश देते हुए लोगों को आकर्षित किया। एवं कांग्रेसियों ने बनकटा बाजार गोसाई बनावे बाजार गोसाई ब्लॉक मुख्यालय होते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हुए बनकटा चौक पर पदयात्रा को समाप्त की एवं नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जागरूक किया। इस संबंध में PCC सदस्य मुकेश राय ने कहा कि जिस तरह से देश में महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी की थाली से दाल और सब्जी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, डीजल पेट्रोल के महंगे होने के कारण खाद्य पदार्थ, सब्जी, अन्य सामग्री आदि महंगी होती चली जा रही है। साथ ही साथ किसान, आम आदमी इन महंगाई और भ्रष्टाचार से पूरी तरह त्रस्त है। तहसील और थाना पर आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है, इस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या कुछ कहा मुकेश राय PCC सदस्य कांग्रेस पार्टी ने, आपको सुनवाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आप जो है कि रैली निकाले हैं और जो कि डीजल पेट्रोल गैस का आप विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि जिससे गरीबों मजदूरों की कमर टूट गई है। पहले तो अपना हम परिचय दें, हम मुकेश राय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और सगड़ी विधानसभा के निवासी हैं। ये महंगाई वर्तमान सरकार ने इतना बढ़ा दिया है, डीजल जो कांग्रेस गवर्नमेंट में 64 रुपये लीटर था, मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा था, आज जो है 100 के पार चला गया है और 10 रुपये कम करके झुंझुना थमा रहे हैं, भुलौना दे रहे हैं, कोई इसे जो है भूलने वाला नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपये चला गया है। इस समय इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी ज़बरदस्त समस्या आया कि महंगाई डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से सारी अव्यवस्था चौपट हो गई है। सब्जियों का दाम बढ़ गया है। आज हम लोग योगी और मोदी सरकार जो इनके कान एकदम समझ लीजिए कि उसमें कचरा भर गया है, हृदय में इनके दिमाग में तो कचरा था ही, इनके कानों में भी कचरा भर गया है, इनको सुनाई समझ में नहीं आता है इन लोगों को। उसी लिए जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मजबूरन हम लोगों को ये माला पहनना पड़ रहा है। 100 रुपये किलो बैंगन मिल रहा है, 100 रुपया भिंडी बिक रही है, करेली है 90 रुपया किलो बिक रही है। जो अगर कोई शुगर का मरीज होगा, देखिए ये हमारे मजदूर भाई मजदूरी करते हैं, गुरव भाई 200 रुपये बता रहे हैं, कड़ू का तेल है, क्या गरीब खाएगा? दिन भर में 300 रुपये कमाएगा, शाम को अगर उसके परिवार में 2 बच्चे हैं और बीवी पत्नी है, माँ है, बाप है, 6 लोग अगर परिवार में हैं तो जो कमाएगा वो तो उसके सब्जी भर को होगा। दवा कहाँ से लेगा, कपड़ा कहाँ से ले आएगा, और सारे काम है वो कहाँ से करेगा, शादी विवाह खर्चा कहाँ से उठाएगा? इसलिए हम लोग ये संदेश इनको देना चाहते हैं, इसलिए ये एक बार में सुनने वाले नहीं है। जब 700 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पर, किसानों की समस्या इनको समझने में जो है साल भर लग गया, शहीद हो गए, तब उसके बाद इनको समझ में आया है तो इन्होंने काला कानून वापस लिया है। तो हम लगातार हम लोग यह मांग कर रहे हैं और अब की बार भुलावे में यह जनता नहीं आएगी। यह हमारे गरीब मजदूर एकदम परेशान हो चुके हैं, ये लोग खून चूसने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का सारा टैक्स हम लोग देते हैं, गरीब जनता देती है, उसके बाद भी आज ये जो प्याज है आपकी बिक रही है 60 रुपये किलो बिक रही है, बैंगन बिक रहा है 100 रुपया, करेली बिक रही है 90 रुपया, क्या कारण है? परवल है 80 रुपया, क्या खाएंगे लोग, कैसे जिएंगे, क्या यह सरकार क्या कर रही है? इन्हीं सब टमाटर 80 रुपया किलो है, देखिए बता रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के तत्काल जो है महंगाई पर नियंत्रण ले आवा या सरकार तत्काल लगावे, तब तो जा करके हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जो है शहीद कर, नहीं तो लगातार चलता रहेगा। अभी तो हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चल रहा है, नहीं तो जनता एकदम सड़क पर उतर जाएगी, बेकाबू हो गई है।